ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आरक्षण के साथ होंगे चुनाव। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार माना। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बदनीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा, और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया, और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।